गॉड ग्रेस टीवी चैनल के सभी व्यूअर्स को दिल से आभार और धन्यवाद। मैं हूं विनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि अपडेट समय रहते आप तक पहुंच सके। हर बार एक नई चर्चा नए विषय के साथ आप लोगों से रूबरू होती हूँ, और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से हम अपनी स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी स्किन पे आने वाले रिंकल्स को दूर रख सकते हैं, और कैसे कौन से ग्रह कौन से हाउसेस कौन से प्लैनेट जो हैं वो हम लोगों को इसमें मदद करते हैं, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, या कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में इजीली कर सकते हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, करने में आसानी हो। और इसके बाद मैं शेयर करूँगी एक ऐसा उपाय जो कि हमारी स्किन को तो ठीक रखता ही है, साथ साथ में हम लोगों को लाइफ में हेल्दी रहने में, इम्यून सिस्टम को बेटर रखने में भी मदद करता है। इन दो टिप्स के साथ आज का ये वीडियो बहुत रोचक होने जा रहा है, अंत तक इसे जरूर देखिए क्योंकि जानकारियाँ एक के बाद एक मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। आप इन्हें नोट कीजिए और इन्हें अप्लाई करें, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें ताकि हमें मालूम रहे कि आप लोगों को इन उपायों को करने के बाद या इन टिप्स को फॉलो करने के बाद कितना लाभ मिला है। वाटर मेमोरी के बारे में तो हमने कई वीडियोस में पहले भी जानकारी दी है, और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, हर एक इंसान को ये मालूम है कि वाटर में एक मेमोरी होती है, यानी कि वो हर चीज़ जो भी हम जल तत्वों के नज़दीक बोलते हैं करते हैं वो उसको ग्रहण कर लेता है, और उसकी ये पावर जो है ये क्यूरेटिव पावर भी बन जाती है। और इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी पूजा के लिए संकल्प लिया जाता है तो जल को हाथ में लेके किया जाता है, जब भी किसी प्रण को करना होता है तो आचमन के बाद किया जाता है, जब भी हमने देखा होगा कि मंदिरों में पूजा होती है और जब हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमें उनसे चरणामृत के रूप में भगवान के आगे के शुद्ध वातावरण की वाइब्रेशंस को प्रेषित किया जाता है, हम लोगों को दिया जाता है। तो इस तरह से जल से ही सारी सृष्टि जो है जल से ही परिपूर्ण है, हम लोगों के अंदर 70% जल है, हम लोगों के आभा मंडल में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आता है चंद्रमा का आता है, हम लोगों की मूड जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, यही हम लोगों के ऑरा को प्रभावित करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट को, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाना या उसकी एनर्जीज को डिप्लीट करना, ये सब हमारे थॉट्स और मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे थॉट्स अच्छे हैं, हमारा मूड अच्छा है, तो हमारी स्किन भी हेल्दी ही दिखाई देगी, और हम लोगों के चेहरे की जो चमक है इसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं और किन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको चंद्रमा की एनर्जी को कैप्चर करना होता है। अब चंद्रमा की एनर्जी को आप कैप्चर कैसे कर पाएंगे, और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप इंटेंट डाल के अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, और साथ साथ में आप अपने चेहरे पे पड़ने वाली झुर्रियों को, रिंकल्स को दूर कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक राउंड मिरर लेना है जो कि न्यू हो। नए राउंड मिरर को आप ले लीजिए, जो बहुत बड़ा ना हो, इतना हो कि आप उसे कैरी कर सकें। इसको सबसे पहले आप इसे एनर्जाइज कीजिए। एनर्जाइज करने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि कई हाथों से बन के आएगा, आप उसे खरीदेंगे तो शॉपकीपर के भी हाथ लगेंगे, उसके बाद आप उसे घर पे लेके आएंगे, घर पे रखा होगा तो पता नहीं कितने लोगों ने उसे टच किया होगा। तो आप जिस मिरर से ये टिप को, इस उपाय को करेंगे, उस मिरर को आप अपने लिए चार्ज करके रखिए, यानी कि थोड़े से जल के छींटे डाल के उसे क्लीन कर लीजिए। नीड करने के बाद में फुल मून नाइट पे आपको इसे बाहर लेके जाना है, फुल मून नाइट में आपने इसे रखना है और उसमें मून की रिफ्लेक्शन को पड़ने देना है। जब मिरर के अंदर लगातार मून की रिफ्लेक्शन जो है वो पड़ेगी, तो मून की रिफ्लेक्शन से वो जो मिरर होगा उसके अंदर एक मैजिकल पावर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर हर चीज़ को मेमोराइज करने की एक पावर होती है, ऐसे ही मिरर जो होता है उसमें भी वही पावर होती है। अब ये मिरर को आप घर के अंदर लेके आ जाइए और अपने बेडरूम में इसे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप रख लीजिए। उसके बाद डेली इसका प्रयोग कैसे करना है वो आप सुनिए, क्योंकि न्यू फुल मून तक उस फुल मून की जो एनर्जीज हैं
उन्हीं को आपने अपने ऑरा को हील करने के लिए यूज करना है। अब आपने क्या करना है, आपने उस मिरर पे कम से कम 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए डेली तराटक करना है। आपने उस मिरर को देखना है और आपने विजुलाइज करना है, आपने बोलना है आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, आपकी स्किन बहुत सुंदर है, आपकी स्किन में बहुत ग्लो है, आप बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं और आपके रिंकल्स आपके उम्र के लिहाज से आपकी स्किन को आके खराब नहीं कर रहे हैं। इस तरह से विजुलाइज करना है। इससे चंद्रमा और शुक्र दोनों की एनर्जीज आप अपने आभा मंडल के अंदर अट्रैक्ट कर लेंगे और उस मिरर के अंदर जो फुल मून की एनर्जीज होंगी वो आपके ऑरा को आपके स्किन को हील करेगी। इस तरह से उस मिरर को फिर आपने नॉर्थ ईस्ट में ही प्लेस कर देना है और क्योंकि उसके ऊपर किसी और का हाथ ना लगे इसलिए उसे अपने बेडरूम में ही रखिए, या फिर उस मिरर को आप उठा के कहीं पे ड्रॉर के अंदर भी रख सकते हैं और डेली आप उसको एक्सरसाइज के बाद वापस संभाल के रख दीजिए। फुल मून नेक्स्ट जब होगा आप अपने चेहरे के अंदर डे बाय डे एक चेंज महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एक चमक अपने आप से इस्टेब्लिश हो गई है। ये एक रेमेडी है जिससे चंद्रमा और शुक्र दोनों की एनर्जीज को आप एक्टिवेट करते हैं। शुक्र की एनर्जी इसलिए कि जब आप मिरर में देखते हैं अपनी खूबसूरती की बात करते हैं, शुक्र की एनर्जीज उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। चंद्रमा की एनर्जीज ऑलरेडी शीशे में है तो वो एक तरह से मिलके चंद्रमा और शुक्र की जब एनर्जीज आती हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करती हैं। इसके बाद मैं आपको जो सेकेंड टिप देने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। पानी की कुछ बॉटल्स ले लीजिए, उनको आप उनका कैप उतार दें और उसके बीच में एक एक पत्ता तुलसी का डाल के फुल मून नाइट में उन्हें भी चार्ज करने के लिए आप एक या दो घंटे तक रख सकते हैं। उसके बाद जब वो पानी जो है वो जल जो है अभिमंत्रित हो जाएगा तो उसे आप अपने इम्यूनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेली अगर आप इसका सेवन करेंगे आपकी इम्यूनिटी आपको डेफिनेटली बेहतर महसूस होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।